त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सहा ने त्रिपुरा सरकार के जनजाति कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक तीर्थ यात्रा कार्यशाला में अलग अलग जनजाति समुदाय के सदस्यों और त्रिपुरा सरकार के अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हर समुदाय में आदिवासी लोगों को प्रतिनिधित्व और राष्ट्र के विकास के देशों में उनके काम की प्रशंसा की। हमें अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर बहुत गर्व है जो हमारे देश के आदिवासी समुदाय से है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया। हमारे प्रधानमंत्री के कारण ही अब हम आदिवासी समुदाय के लोगों से भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करा सकते है। जनजाति भाई बोन একটা ভোট ব্যাংকের যে একটা কালচার সেটা আমরা দেখে এসেছি, কিন্তু যখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 2014 উনি আসলেন, বোঝা গেল যে কিভাবে জনজাতিদের উন্নয়নের কথা উনি চিন্তা ভাবনা করেছেন, সেটা কিন্তু আগে আমরা কখনো দেখিনি। এবং সবসময় উনি এবং বা উনার যে চিন্তা ভাবনা, যেমন তিন ব্যক্তির উন্নয়ন যতক্ষণ ধরে না হবে ততক্ষণ কোন সমাজে উন্নয়ন হবে না, রাজ্যেরও উন্নয়ন হবে না, দেশের উন্নয়ন হবে না, সেই দিশায় উনি কাজ করে চলছেন। আমি জানি না আপনারা এর আগে এভাবে আপনারা দেখেছেন কিনা, এবং তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পাই যখন আমাদের বর্তমান মাননীয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুজিকে উনি আমাদের এই পদে উনি আসীন করিয়েছেন, একমাত্র উনার কারণেই সেটা সম্ভব হয়েছে। এটা জনজাতি শ্রেণীর উড়িষ্যার একদম। सुपरस्टार रजनीकांत शनिवार को यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे। एक्टर रजनीकांत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ ही अपनी फिल्म जेलर देखेंगे। फिल्म जेलर का कामयाबी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये सब ईश्वर की कृपा है। जानकारों के माने तो सुपरस्टार रजनीकांत 18 से 20 अगस्त तक यूपी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिरों में भगवान के दर्शन करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रजनीकांत शनिवार को मिलने वाले हैं। सर, आप आज जब लखनऊ आए हैं, आपकी फिल्म ने भी बहुत अच्छा धमाल मचाया हुआ है बॉक्स ऑफिस पे, जेलर में कल मुख्यमंत्री से भी आप मुलाकात करने वाले हैं। जी 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 जी, पिक्चर देख रहा हूँ उनके साथ, पिक्चर देखेंगे जी। तो अभी कैसा सर लोगों का, क्योंकि बहुत अच्छा फैंस का वो पीछे से आ रहा है, फीडबैक भी बहुत बेहतरीन कलेक्शन गया है मूवी का, सब भगवान की दुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से लड़ेंगे। पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख अजय राय ने आज यह बात कही। अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव में अमेठी से लड़ेंगे क्योंकि इस बार अमेठी की स्थिति काफी मजबूत है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट के बारे में बात करते हुए कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि फिलहाल वह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या इंडिया गठबंधन से कौन चेहरा होगा? अब देखिए, फिलहाल तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अब बाकी चीजें पार्टी जो तय करेगी, जो इंडिया गठबंधन तय करेगा, फिलहाल तो बाबा विश्वनाथ की कृपा से मैं खड़ा हूँ आपके सामने। गांधी परिवार से भी कोई अब ये तो तय करेगी पार्टी और ऊपर के इंडिया गठबंधन तय करेगा, और जैसे भी तय होगा हम लोग उस पूरी ताकत के साथ एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेके, गांव से लेके, शहर से लेके अपनी पूरी ताकत और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। और हम बनारस के अंदर महादेव की कृपा से इस बार आपको मजबूत स्थिति में चीजें दिखेंगी, इतना आपको विश्वास दिलाते हैं। राष्ट्रीय लोक दल नेता जयंत सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन एक बड़ा प्रयास है और इंडिया गठबंधन सफल होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। जयंत सिंह ने कहा, जिस तरह से पीएम मोदी इसका इंडिया गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि वे इससे डरे हुए हैं। यह एक बड़ा प्रयास है और यह सफल होगा। ये सब कुछ आसान नहीं है, हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मुझे विश्वास है कि हम लक्ष्य हासिल करेंगे। जितना वो बयान दे रहे हैं, जितना प्रधानमंत्री बार बार जिक्र कर रहे हैं, नए नए नाम दे रहे हैं, ये साबित करता है कहीं ना कहीं डर है। और पिछले चुनाव तक जो उनका पूरा प्रचार था वो ये कहते थे कि मजबूरी है मोदी जी, तो उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं, सारी पार्टियां बटी हुई हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रयोग हो रहा है, प्रयास हो रहा है और सार्थक साबित होगा, आसान नहीं होता। सभी पार्टीज़ की अपनी विचारधारा है, अपने वर्कर हैं, पॉलिटिकल एम्बिशन वाले पालने वाले लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं,
सबका समावेश करके पहली बार इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अंजाम तक बात पहुंचेगी। इंडिया का अपना एक विजन भी है, मुद्दों की भी हम बात करते हैं, मुंबई में भी इस विजन पे हम बातचीत करेंगे और बहुत ही एक आकर्षक जो देश के लोग, देश की जनता चाह रही है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो खेती किसानी। G20 DIA शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हुए संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में कहा कि पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से भारत की उद्यमशीलता ऊर्जा को एक चैनल दिया और यही कारण है कि भारत के पास इससे भी अधिक है। वर्तमान में 1,00,000 स्टार्टअप है। पीएम मोदी का दृष्टिकोण था कि दुनिया भर के सभी स्टार्टअप्स का मुकाबला किया जाना चाहिए। दुनिया भर के स्टार्टअप्स को अवार्ड दिया गया। सभी G20 देशों ने उनकी इस पहले की सराहना की। यह पीएम मोदी का दृष्टिकोण है कि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से भारत की उद्यमशील ऊर्जा को एक चैनल दिया। इस G20 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि दुनिया के सारे स्टार्टअप्स का एक चैलेंज किया जाए। 6 सेक्टर्स में चैलेंज किया गया और इन 6 सेक्टर्स में दुनिया के विभिन्न देशों से आए हुए स्टार्टअप्स को आज अवार्ड दिया गया और G20 के सभी देशों ने इसको बहुत सराहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस इनिशिएटिव को बहुत सराहा है और आशा की है कि हमेशा सभी G20 में ये परमानेंट फीचर बनेगा। अर्जुन सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, देखिए सर, आपने बोला 10 साल पहले हमारे यहाँ पे 500 स्टार्टअप था, आज सर 100,000 से भी अबव है सर, इस बारे में आपका क्या कहना सर? ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को लेह में फुटबॉल मैच का आनंद लिया। राहुल गांधी मैच देखने के लिए दर्शकों के बीच जाकर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से हाथ भी मिलाया। कई लोग मैच के दौरान अपने पास बैठे राहुल के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। इससे पहले राहुल गांधी ने युवाओं से भी बातचीत की। राहुल ने युवाओं से कहा, भारत में आजादी की नींव हमारा संविधान है। राहुल गांधी ने भाजपा और RSS पर अपने लोगों को संस्थागत ढांचे के प्रमुख हिस्सों में रखने का भी आरोप लगाया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय द्वारा राहुल गांधी पर दिए बयान पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब की बार अमेठी से राहुल गांधी की जमानत जब्त होगी और वो चुनाव नहीं जीतेंगे। दोनों जो शख्स हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, एक तो अमेठी के भगोड़े बन गए, चुनाव हारने के बाद भाग गए और वो फिर आना चाहते हैं। अब उनको वो लाइसेंस अमेठी की जनता देती है या नहीं देती, तो मुझे बड़ी उम्मीद कम है और ये पक्का है कि अब की बार अमेठी से उनकी जमानत जब्त होगी। जहाँ तक कि प्रियंका वाड्रा हैं, इनके परिवार ने अभी तक एक खिताब नहीं लिया था, वो था कि पहली दफ़े लड़ो और जमानत जब्त हो जाए। तो प्रियंका वाड्रा को मुबारक हो, वाराणसी चले जाओ, आपको समझ आ जाएगा पहले दफे लड़ने का। और कारगिल जिले में एक रहस्यमय विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। कारगिल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनायत अली चौधरी ने कहा, कारगिल जिले के द्रास शहर में कबाड़ी नाला में एक स्क्रैप साइट के पास देर शाम एक रहस्यमय विस्फोट हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। SSP कारगिल ने कहा कि घायलों को द्रास के उपमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पहाड़ों पर लगातार बारिश और तबाही के बाद अब उतरते मानसून की बारिश का रुख मैदानी भागों की ओर हो गया है। लगभग पूरे उत्तर भारत में इस समय बारिश हो रही है। बीती रात से राजधानी दिल्ली में भी लगातार मध्यम से तेज बारिश जारी है। ये बारिश दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में हो रही है। पूरी रात जमजमा बारिश के साथ ही दिल्ली के कुछ इलाकों से जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई है। बदरपुर जैसे वास्तु इलाकों में सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से लोगों को सुबह से ही आवागमन कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें हिंदुस्तान की जनता की पसंद बताया। उन्होंने कहा, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं क्योंकि देश की जनता चाहती थी कि और जनता कांग्रेस के बुरे शासन से निकालना चाहती थी। जनता अब तरक्की की ओर बढ़ना चाहती है, इसलिए जनता ने मोदी जी को चुना। देश में हो रहे विकास कार्यों और मोदी जी के वादों के बारे में बात करते हुए उन्होंने राम मंदिर धारा 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दों की बात कही। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और उनके जनता पर दिए गए बयान के लिए आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री बने हैं क्योंकि हिंदुस्तान की जनता उनको चाहती। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं क्योंकि जनता कांग्रेस के मिसरूल से बाहर निकलना चाहती थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं क्योंकि जनता अब आगे बढ़ना चाहती है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं ताकि देश को आगे ले जाकर गली सड़ी अर्थव्यवस्था जो कांग्रेस ने इस देश पर थोपी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और मोदी जी वादा कर रहे हैं कि अगले 5 साल में इसको विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में लेकर जाएंगे। और मोदी जी जो कहते हैं वो हिंदुस्तान की जनता विश्वास करती है। मोदी जी ने कहा था कि हम धारा 370 तोड़ेंगे और तमाम विरोधों के बावजूद हमने धारा 370 को तोड़ दिया। मोदी जी कहते थे राम मंदिर बना कर देंगे और अति सुंदर राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। मोदी जी ने 3 तलाक से मुक्ति दिलाने की बात की थी, 3 तलाक से मुक्ति दिला दी मोदी जी ने। जनता चाहती है, जनता अब भी चाहती है कि मोदी जी के हाथों में ही इस देश की बागडोर सुरक्षित है। जिस दिन जनता को, वोट देने वाली जनता को राक्षस कहा था, हमने समझा था कि कांग्रेस आला कमान उनको ऐसा कहने पर सजा देगी, लेकिन राहुल गांधी जी ने उनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाकर एक बड़ा तोहफा दिया है। ऐसा करके उन्होंने जनता को राक्षस कहने वाली मानसिकता पर कांग्रेस की सहमति की मोहर लगा दी।